आज हम लोग पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से निकले हैं और जा रहे हैं ऐसी एक रूट पर जहाँ कुछ देर अंतरंतरी प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है। किसानों की रूट पे चलते हुए हम लोग पहुंचेंगे मायरंग गांव बोल के एक जगह पे, जो हिमालय की गोदी में एक छोटा सा गांव है और पश्चिम बंगाल की कालिम्पोंग और लावा के बीच स्थित है। मायरंग गांव हम लोग दो तरह से जा सकते हैं। एक उपाय है कि कालिम्पोंग चले जाओ और कालिम्पोंग से लावा की तरफ बढ़ो, तो कालिम्पोंग से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह आती है। और दूसरा उपाय है लाभा पहुंचो और लाभा से कालिम्पोंग की तरफ बढ़ते हुए एक डायवर्शन आती है, वहां से 1 किलोमीटर चलने के बाद आता है मायरंग गांव। कालिम्पोंग और लाभा के बीच मेन रोड के ऊपर एक जगह आती है, उसका नाम है अलगड़ा। वहीं से मायरंग गांव के लिए डायवर्शन लेनी पड़ती है। आज हम लोग लाभा होके मायरंग गांव की तरफ बढ़ने वाले हैं। सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग होके मायरंग गांव की तरफ अगर बढ़ते तो फिर इस लाभा वाली रूट से 20-30 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती। फिर भी हम लाभा से मायरंग गांव की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस रूट में प्राकृतिक सौंदर्य काफी बेहतर मिलता है। और अगर लाभा सिलीगुड़ी से पहुंचना है तो भी हम दो डिफरेंट रूट ले सकते हैं। एक है सिलीगुड़ी से सेवॉक होके माल बाजार की तरफ बढ़ते हुए डामडिंग मोड़ पहुंचो और वहां से लेफ्ट टर्न लेके गोरुबाथान होके पहुंचो लाभा। और एक रूट है सिलीगुड़ी से पहले गाजोलडोबा और उसके बाद वहां से उदलाबारी होके पहुंचो डामडिंग मोड़ और वहां से फिर बाएं मुड़ के गोरुबाथान होके पहुंचो लाभा। पर डामडिंग मोड़ हम लोग आज सेवक होके नहीं जाने वाले हैं, हम लोग आज लिए है गाजोलडोबा वाली रूट। सिलीगुड़ी से गाजोलडोबा, उदलाबारी, डामडिंग, गोरुबाथान, लाभा होके अगर हम लोग मायरंग गांव पहुंचे तो उसमें काफी ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता है, लगभग 125 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और अगर डामडिंग मोड़ सेवक होके पहुंचे और वहां से लावा की तरफ बढ़े तो फिर सिलीगुड़ी से लावा तक की दूरी होती है लगभग 100 किलोमीटर। पर हम लोग इस रूट को इसलिए चुने हैं क्योंकि इस रूट में प्रकृति के रूप में इतने वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, वो बाकी दो रूट में नहीं मिलेगी। इस रूट में डुआर्स के जंगले हैं, नदियां हैं, उसके ऊपर बैरेज है, चाय के बगाने, पेड़ों की कैनोपी, सुपारी के खेत, पहाड़, पाइन ट्री के जंगले, छोटे बड़े झरने और बहुत कुछ। इसलिए ये रूट सबसे अनोखी रूट है मायरंग गांव पहुंचने के लिए, भले ही सफर थोड़ा लंबा हो। हम लोग अभी आंबारी कैनाल रोड लेके बैकुंठ फॉरेस्ट के अंदर से गाजोलडोबा तीस्ता बैरेज की तरफ बढ़ रहे। बाई तरफ तीस्ता कैनाल नजर आ रहा है और ये कैनाल गाजोलडोबा फॉरेस्ट में जाके तीस्ता नदी के साथ मिल जाता है। हम लोग अब गाजोलडोबा तीस्ता बैरेज पहुंचने ही वाले है। ये है गाजोलडोबा बैरेज जो तीस्ता नदी के ऊपर है। इस तरफ से तीस्ता नदी पहाड़ से उतर के समतल भूमि में आई है। आसमान साफ रहने से इस तरफ हिमालय के पर्वते दिख जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन नजारा है यहाँ का और यहाँ की शुद्ध हवा से मन उमंगों से खिल उठता है। गाजलडोबा बैरेज पार करके बाय डाइवर्शन लेके हम लोग बढ़ रहे हैं अभी ओदलाबारी की तरफ। बीच में आता है ये फॉरेस्ट जिसका नाम है अपलचांद फॉरेस्ट। आप लोग देख सकते हैं फॉरेस्ट के पेड़ों से बनी हुई इस कैनोपी को, जिसकी सुंदरता अतुलनीय है। हम लोग अब जा रहे हैं ओदलाबारी टी एस्टेट के बीच से। इन सब जगहों में सिलीगुड़ी से सरकारी बसों का आवागमन होता है। ओदलाबारी पार करके हम लोग आ गए नेशनल हाईवे 17 के ऊपर और बढ़ रहे माल बाजार की तरफ। बीच में आएगा डामडिंग मोड़, वहां से बाय लेना है।
यह है दामदिंग मोड। यहाँ से बाएं लेके हम लोग बढ़ेंगे गोरुबथान की तरफ। हिमालय के पहाड़ों पर चढ़ने से पहले गोरुबथान एक छोटा सा कस्बा है। सिलीगुड़ी से सेवक होके भी हम लोग दामदिंग मोड़ तक आ सकते हैं। रास्ते के दोनों तरफ बहुत दूर तक फैले हुए हैं डुअर्स के इन चाय के बगाने, और इन बगानों को पार करते ही हम लोग पहुंच जाएंगे गोरुबथान। हम लोग पहुंच गए गोरुबथान। गोरुबथान में चारों तरफ सुपारी के पेड़ों का भरमार दिखा। गोरुबथान पार करते ही धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगे हम लोग। आसमान काले बादलों से छाने लगा है। किसी भी समय जबरदस्त बारिश होने का संभावना है। हम लोग अब बढ़ रहे लाभा की तरफ, जो हिमालय की गोदी में पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा कस्बा है, और ये जगह कालिंपोंग जिले के अंतर्गत है। यहाँ भी दोनों तरफ चाय के बगाने दिखे, जिसका नाम है एम्बियोक टी गार्डन। यहाँ से लाभा 36 किलोमीटर की दूरी पे है, और उससे आगे है आलगरा जो 55 किलोमीटर की दूरी पे है। पर अगर लाभा की तरफ से हम लोग मायरन गांव पहुँचना चाहे तब आलगरा तक जाने की जरूरत नहीं। उससे पहले ही मेन रास्ते के ऊपर मायरन गांव के लिए एक डायवर्शन आएगी, और उसके बाद 1-2 किलोमीटर चलने के बाद मायरन गांव पहुँच जाएंगे। लाभा से मायरन गांव की दूरी है 16 किलोमीटर। मायरन गांव में एक फार्म स्टे में 2 दिन बिताने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जिसका नाम है मायरन गांव फार्म स्टे। पहाड़ के ऊपर गांव के मनोहर वातावरणों के बीच बना है मायरन गांव फार्म स्टे, जहां 2 दिन रह के मन की शुद्धिकरण करने की इच्छा है।
रास्ते में एक छोटे से झरने से रूबरू हुए हम लोग। जैसा कि अंदेशा था, अचानक से जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। चारों ओर घने बादलों से छा गया और अंधेरा छाने लगा। कुछ देर बाद बारिश रुक गई, पर बादल नहीं हटे। इसका मतलब यही है कि फिर से बारिश होने का संभावना रह गया। फिर से चल पड़े हम लोग लाभा की तरफ। बरसात के मौसम में हिमालय के जंगलों के पेड़ों की हरियाली बहुत गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमारे दृष्टिकोण में बरसात के मौसम में हिमालय के पर्वतों की सुंदरता बहुत गुना खिल उठती है। यहाँ से दिखने लगे पाइन के पेड़ों के जंगल है। हिमालय में पाइन के पेड़ थोड़ी सी हाई ऑल्टीट्यूड में मिलते हैं, यानी कि जिन सब जगहों में तापमान थोड़ा कम होता है और जाड़े के मौसम में ठंडक बहुत ज्यादा होती है, उन्हीं सब जगहों में पाइन के पेड़ दिखते हैं।
हम लोग अब पहुंच गए लाभा। लाभा को पीछे छोड़ के और भी आगे निकल जाएंगे 16 किलोमीटर, तब जाके पहुंचेंगे मायरन गांव। मायरन गांव, लाभा, इन सब जगहों पे रह के काफी सारी जगहों में घूमी जा सकती है, जैसे कि नेवरा वैली नेशनल पार्क, छांगे वाटरफॉल, फासरे लेक, रिक्कीसाम, लिंगसे, कालिम्पोंग, रीशॉप, लोलेगांव, कोलाखाम, शीडले गांव, इच्छे गांव, पैडोंग मोनेस्ट्री, रामधुरा आदि जगहें। रास्ते से हम लोग अभी बढ़ रहे कालिम्पोंग की तरफ। कालिम्पोंग जाते वक्त पहले आती है आलगरा, पर हम लोग अभी आलगरा तक नहीं जाने वाले हैं। उससे पहले ही मायरन गांव के लिए दाहिनी तरफ एक डायवर्शन आएगी और वो डायवर्शन लेके हम लोग पहुंच जाएंगे मायरन गांव। हम लोग पहुंच गए उस डायवर्शन के सामने। यहाँ से मायरन गांव के लिए हम लोग दाहिने घूम जाते हैं। गांव के इन पतले रास्तों से आपको चलना है करीब 1-2 किलोमीटर। हिमालय में छोटे छोटे गांव में जाने के लिए जो रास्ते होते हैं उनके चारों ओर जो नजारा मिलता है, और कभी कभी आने वाले इन घने जंगलों में से जाने में जो मजा आता है, वो कभी चौड़े मेन रास्ते से जाने से नहीं मिलेगा। इसलिए हिमालय की सैर अगर करनी है तो ऐसी कुछ जगह पे रहना चाहिए तो हिमालय की गोदी में बसा हुआ छोटा सा गांव के अंदर हो, नहीं तो हिमालय में आके कुछ दिन रहने का जो पर्पस है वो शायद थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसीलिए मायरन गांव फार्म स्टे एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है 2 दिन हिमालय में बिताने के लिए, जहां जिंदगी की तन्हाइयों को भुला के मन की शुद्धिकरण की जा सकती है। हम लोग पहुंच गए मायरन गांव। अब बढ़ रहे मायरन गांव फार्म स्टे की तरफ।
ये है मायरनगांव फार्म स्टे। यहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं 2 दिन। फार्म स्टे की लोकेशन और यहाँ से नजारा कैसा मिलता है वो आप लोग देख सकते हैं। इस फार्म स्टे के ऊपर अलग से हम लोग एक वीडियो बनाए हैं, जहाँ पे इस फार्म स्टे के बारे में पूरी जानकारी, यानी कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ की बुकिंग कैसे करवाई जाती है, कितने लोग यहाँ एक साथ रह पाएंगे, कैसा खाना यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ के रूम्स बाथरूम्स कैसे है, हर एक डिटेल की जानकारी वो वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी।